أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان Respected doctors and colleagues, you know that I have started uploading short videos on guiding you on taking the histories in case for long cases of the FCPC exams. सो इस सिलसिले में आज का टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटिस। अब याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ गाइडलाइन है, आप अपनी मर्जी से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। किसी भी हिस्ट्री शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन, कंसेंट, पेशेंट पार्टिकुलर्स आप पूछते हैं, देन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। क्या आपका बच्चा इस वक्त अस्पताल में दाखिल है या ओपीडी में लेकर आए हैं और किस तकलीफ़ या मसले से लेकर आए थे। Presentation can be varied. It can initially the child can present with the DK. So the child may have vomiting. So vomiting, then you have to elaborate the presenting complaints. Like in case of vomiting, उल्टी हुई थी, दिन में किस दफ़ा हुई थी, किस रंग की थी, खाने के कितने टाइम बाद हुई थी, क्या बेहोश हो गया था, क्या बुखार हुआ था और साथ पेट में दर्द भी हो, क्या दवाई में नागा किया और बेहोशी के साथ आया हो, क्या छोटा पेशाब बार बार करता हो, पानी ज़्यादा पीता हो, भूख ज़्यादा लगती हो और वज़न भी कम हो रहा हो। सो द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कैन बी एनी थिंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस यू हैव टू रूल आउट द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। लाइक प्रीवियसली आई मेंशन इट्स रिटन दैट एलेबोरेट द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स व्हिच कैन बी एनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। देन इन हिस्ट्री प्रेजेंट यू आस्क छोटा पेशाब दिन में कितनी दफ़ा करता है, स्कूल में कितनी दफ़ा करता है, रात को पेशाब के लिए उठता है और रात को कितनी दफ़ा पेशाब करता है, क्या बिस्तर पर पेशाब करता है, कितना पानी पीता है दिन में, क्या रात को उठकर भी पानी पीता है, क्या नॉर्मल या बहुत ज़्यादा खाने के बावजूद भी वज़न कम हो रहा है, क्या कभी एमरजेंसी में दाखिल हुआ है और इस वक्त क्या मसला हुआ था, क्या इंसुलिन की डोज मिस हो गई थी, या बीमार हुआ हो और जैसे गला ख़राब हुआ हो, ज़ुकाम हुआ हो, पेचिस लगे हों और पानी की कमी हुई हो, या छोटे पेशाब का इन्फेक्शन हुआ हो, देन यू हैव टू रूल आउट द सिंड्रोम्स। क्या वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है, प्रैडरविले लारस मून बॉर्डर बीडल सिंड्रोम। क्या जहनी तौर पर ठीक है, बातें समझता है, स्कूल में पढ़ाई में कैसा है, जहीन है या पढ़ाई में कमज़ोर है, समाज में कोई मसला हो, लारस मून बॉर्डर बीडल, नज़र ठीक आता है, डेड मॉडर्न लारस मून बॉर्डर बीडल सिंड्रोम। देन यू आस्क अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ड्रग यूज़, क्या कोई दवाई खा रहा है जैसे बीटा एगोनिस्ट, इंटरफेरॉन, थायराइड डायुरेटिक्स एंड स्टीरॉइड्स। देन यू हैव टू रूल आउट द कॉम्प्लिकेशंस एंड सिस्टेमिक रिव्यू। कितनी दफ़ा इमरजेंसी में दाखिल हुआ था और इस वक्त क्या मसला हुआ था, क्या बेहोश हो गया था, क्या इलाज हुआ था और कितनी देर तक दाखिल रहा था। जनरल, वज़न कम हो रहा हो या बढ़ रहा हो, क्या हर वक्त उदास रहता है। CNS, क्या सर में दर्द रहता हो, चक्कर आते हो, आँखों के आगे अंधेरे छा जाते हो, दीज आर सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। नज़र में कमज़ोरी या तकलीफ़ हुई हो, रेटिनोपैथी, जिस्म सुन होता हो, चलने फिरने में तकलीफ़ होती हो, हाथ पाँव जलते हो, न्यूरोपैथी, CVS, सांस चढ़ता हो, दिल की धड़कन तेज़ होती हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम, बार बार छाती ख़राब होती हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या सांस बंद होता है, सांस से छाती से शां शां की आवाज़ें आती हों, खांसी और खांसी के साथ खून आता हो। देन यू हैव टू आस्क अबाउट द GIT, मुंह में सफ़ेद छाले या छलके बने, ओरल थ्रश, APCET, दस्त लगे रहते हो, वज़न नहीं बढ़ रहा, सीलिक, पेट में दर्द होता हो जो पीछे की तरफ जाता हो, पैंक्रियाटाइटिस, गुर्दे में दर्द होता हो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो या ज़्यादा हो, या जिस हमें सूजन हो गई हो, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। देन मस्कुलोस्केलेटल, जोड़ों में दर्द होता हो, चलने फिरने में तकलीफ होती हो, या जोड़ सख्त हो गए हों और अकड़ जाते हों। देन एंडोक्राइन, क्या ठंड ज़्यादा लगती है और सुस्ती छाई रहती हो और नींद ज़्यादा आती हो, हाइपोथायराइड, हाथ अतड़ अकड़ जाते हों, झटके लगते हों, हाइपोपैराथायराइड, जिस्म पर काले दाग धब्बे बढ़ते हों या काले निशान बन रहे हों जैसे कि मसूड़ों पर, बगल में और साथ ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता हो, एडिसन डिजीज़। देन आस्क अबाउट द हीमाटोलॉजी, क्या ऐसा हुआ है कि अचानक खून बहना शुरू हो गया हो या जिस्म पर नील के निशान बन गए हों। इम्यून सिस्टम, क्या बार बार बीमार हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है।
You can ask, establish the diagnosis in the history of present illness or in the past history also. कब तशखीस हुई थी, इस वक्त उम्र क्या थी, क्या अलामत थी, कैसे तशखीस हुई थी. इन्वेस्टिगेशंस, कौन कौन से टेस्ट हुए थे. ट्रीटमेंट, क्या इलाज चल रहा है, क्या इलाज हुआ, क्या इलाज में कोई तब्दीली हुई है, क्यों हुई है, क्या इंसुलिन लगाते हैं, क्या किसी और तकलीफ़ से दाखिल हुआ हो, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ हो, पैंक्रियाटेक्टमी या कान पेड़े निकले हो, मम्स. दिन आसक द फॉलो अप, कितने अरसे बाद चेकअप के लिए जाते हैं और क्या गांव में लोकल डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. क्या वज़न और कद चेक किया जाता है. HbA1c का टेस्ट किया जाता है. आँख का मुआयना, फंडोस्कोपी किया जाता है. ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है. गुर्दे का कोई टेस्ट किया जाता है. करंट स्टेटस, इस वक्त बच्चे की तबीयत कैसी है, खाना खाता है, पानी पी रहा है, छोटा बड़ा पेशाब कैसा है. आस्क अबाउट द इंसुलिन, क्या इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, क्या नाम है इसका, किस तरह लगाते हैं, कौन लगाता है, किस डोज में लगाते हैं, ये कितने यूनिट लगाते हैं, तशखीस के वक्त कितने यूनिट लगते थे और अभी कितने लगते हैं, डोज में तब्दीली क्यों हुई, इंजेक्शन किस जगह लगाते हैं, क्या बच्चा खुद लगाता है या कोई और लगाता है, क्या आपके सामने लगाता है, क्या इंजेक्शन वाली जगह पर कोई मसला हुआ हो, जैसे जेल ख़राब हुई हो या ख़ारिश होती हो, किस तरह इंजेक्शन लगाते हैं, क्या एक ही जगह लगाते हैं या जगह तब्दील करते हैं, क्या बना बनाया इंजेक्शन मिलता है या खुद मिक्स करते हैं और पहले कौन सी किस्म के इंसुलिन भरते हैं, क्या कभी इंजेक्शन में हवा हुआ है, जैसे कभी इंजेक्शन मिस हुआ हो, जैसे भूल गए और इंजेक्शन ना लगाया हो. इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे संभाल कर रखते हैं या स्टोर कैसे करते हैं, फ्रिज में रखते हैं. अगर सफ़र पर जाना तो इंसुलिन कैसे साथ लेकर जाते हैं, क्या इंसुलिन पेन का इस्तेमाल करते हैं या इंसुलिन पेन कभी इस्तेमाल किया हो. देन आस्क अबाउट द सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर, घर पर ब्लड शुगर कैसे चेक करते हैं, कोई रिकॉर्ड मौजूद है, क्या घर पर ग्लूकोमीटर मौजूद है, दिन में कितनी दफ़ा शुगर चेक करते हैं. देन बर्थ हिस्ट्री, द यूजुअल क्वेश्चंस. देन फीडिंग हिस्ट्री, पैदाइश के बाद कौन सा दूध पिलाया है, दिन में कितनी दफ़ा खाना खाता है, क्या दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं और 3 दफ़ा स्नैक या कोई हल्का फुल्का कुछ खा लेता है, कोई गजाई चार्ट है जिससे खाने में मदद लेती हूँ, जैसा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, पूरे दिन में क्या खाता है, क्या गजाई परहेज पूरी तरह करता है. वैक्सीनेशन हिस्ट्री, क्या हिफाजत टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाया है, क्या रूटीन की वैक्सीन के अलावा कोई और वैक्सीन लगवाई है, जैसे फ्लू की सालाना वैक्सीन. डेवलपमेंटल हिस्ट्री, चलता फिरता ठीक है, बात समझता है, सुनता देखता ठीक है. फैमिली हिस्ट्री, ख़ानदान में किसी और को इस तरह की बीमारी हो, मेक अ फैमिली ट्री. सोशल हिस्ट्री, देन पर्सनल हिस्ट्री, क्या आपको मालूम है कि अगर शुगर कम हो तो इसकी क्या अलामत हैं, इस सूरत में आप क्या करेंगे, क्या आपको मालूम है कि अगर बच्चा बीमार हो तो क्या करना होगा और किस वक्त अपने मौले से रजू करना होगा, क्या कहीं दावत पर जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या खेल कूद या वर्जिश पर पाबंदी लगाई है, खेल कूद के दौरान क्या करते हैं, इस बीमारी के मुतालिक आपको क्या बताया गया है, इसका इलाज कितने अरसे तक चलेगा, क्या ये ठीक हो जाएगी या सारी उम्र इलाज चलेगा. स्कूलिंग हिस्ट्री, क्या बच्चा स्कूल जाता है, कौन सी क्लासें पढ़ता है, कितनी छुट्टियां करता है, पढ़ाई में कैसा है, क्या टीचर को मालूम है कि बच्चे को क्या बीमारी है और अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्या करना होगा, क्या हाथ में कोई टैग पहना है, डिजीज टैग लाइक डायबिटीज़ टैग, क्या इस बीमारी की वजह से बच्चा उदास रहता है, डिप्रेशन, मुस्तकबिल में कोई ट्रांसप्लांट का सोचा है, इस बीमारी की वजह से आपके आपस में क्या ताल्लुकात, बीमारी के खर्चात कैसे पूरे करते हैं, बाकी बच्चों पर इसकी बीमारी की वजह से क्या असरात मुरतब हुए. सो दिस इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू मस्ट गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन टू मेक इट अ सेकेंड हैबिट, बिकॉज इन एग्जाम यू विल पास ओनली व्हेन यू डेवलप ऑटोमेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड गिव योर फीडबैक. मे अल्लाह बी अवर हेल्पर, प्रोटेक्टर एंड गाइड. अल्लाह हाफिज़.